First of all, good morning. मैं ETN Today News को धन्यवाद देना चाहता हूँ आज हमारे साथ आने के लिए. We as a team led by श्री नोंगचा लांगचिंग, President Atsu, और हमारे executive, हम लोग उस दिन social media पे एक anonymous message को लेके हम लोग ground reality check करने आए थे यहाँ पे higher secondary खरसंग. उसमें जो anonymous मैसेज था उसमें लिखा गया कि टीचर्स लोग स्टूडेंट लोग को थ्रू व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म बहुत सारा पीडीएफ और नोट्स भेजता है बोल के. तो टुडे ऑन 16 सितंबर 2024 हम लोग यहाँ पे इंस्पेक्शन या स्कूल विजिट के लिए आए हुए हैं एंड वी हैव कम टू द कंक्लूजन दैट जो एनोनिमस मैसेज था उसको लेके हमने पूरा ग्राउंड विजिट किया, स्टूडेंट लोग से भी इंटरेक्ट किया, टीचर्स प्रिंसिपल लोग से भी इंटरेक्ट किया. तो उसमें हमें पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है. जितना भी अभी टीचर्स लोग पीडीएफ नोट्स भेजता है थ्रू व्हाट्सएप, वो सब उनका ही अपना लिखा गया नोट्स है जो कि इम्पोर्टेंस है, उसी को लेके ही वो लोग नोट्स भेजता है व्हाट्सएप में. और रह गया बात ये है कि मतलब अभी जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है उसी को लेके अभी स्टूडेंट खुद से पीडीएफ या कुछ नोट्स ऑनलाइन पे सर्च करेगा तो बहुत लेंदी मिलेगा उनको. तो उसी का थ्रू से टीचर्स लोग खुद का नोट्स को लेके और पीडीएफ को लेके वो लोग स्टूडेंट को थोड़ा शॉर्ट में बेचता है. जी, मैं आपका नोंगचा लांगचिंग, ऑल तंगसा स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट. आज जिन्हें भी मेरा असिस्टेंट एजुकेशन सेक्रेटरी का तरफ से क्लेरिफिकेशन जो किया आज उसका रिलेटेड हम लोग आज यहाँ पे विजिट किया है. यहाँ पे विजिट करने का कारण बहुत सारा कारण भी था, फिर भी हम लोग ने स्पेशल वो जो एनोनिमस जो खरसंग न्यूज़ में जो वायरल करते हुए उसको लेके हम लोग ने ग्राउंड चेक किया. मैं आप सभी को ये भी बताना चाहूँगा, जब चांगलांग डिस्ट्रिक्ट लोवेस्ट परफॉर्मेंस डिस्ट्रिक्ट था वो समय में खरसंग का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा और अभी तक भी अच्छा है. और आप लोग देख सकते हैं यहाँ का जो है सराउंडिंग और यहाँ का स्टूडेंट्स बहुत अच्छा से मैनर से रहते हैं और ये लोग जो है अपना क्लासरूम में फ़ोन भी लेके नहीं आते, ऐसा जो है यहाँ पे रूल भी लागू किया गया, ऐसा जो है हमें देखने को मिला. और उसका रिलेटेड हम लोग ये भी उम्मीद रखता है कि यहाँ का जो है जो भी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल एंड टीचिंग स्टाफ वो लोग अपना मेहनत ज़रूर कर रहे हैं. अभी जो एनोनिमस ने खरसंग न्यूज़ में जो फैलाया वो बल्कि यहाँ का सिर्फ इशूज़ नहीं हो सकता है, वो एंटायर एजुकेशन सिस्टम में इशूज़ तो है. पीडीएफ शेयर तो किया जाता है लेकिन उसका जो है इशूज़ को हम लोग ज़रूर और फॉलोअप करेगा ताकि कोई स्कूल में ऐसा जो है काम किया जाता है कि नहीं, उसमें हम लोग ज़रूर बातचीत करेगा. और बात रहा ये जो है एलिगेशन जो इस स्कूल को लगाया गया है, हम लोग एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते और यहाँ पर जो ग्राउंड रियलिटी हम लोग चेक किया है उसका जो है रिजल्ट जो है हमें नहीं लगता है कि हमें दावा है यहाँ जो है ऐसा प्रैक्टिस नहीं करता है. क्योंकि हम लोग ने स्टूडेंट लोग से भी इंटरेक्शन किया, वो लोग ने भी वही बताया कि जो इम्पोर्टेंट होता है जो ज़रूरी है वही जो है शेयर करता है, वो भी लिमिटेड, ऐसा नहीं है कि बहुत सारा. तो सभी से मैं यही अनुरोध करूँगा जो हमारे चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के जितने भी टीचर्स टीचिंग स्टाफ है, काइंडली आप लोग भी इस चीज़ को ध्यान रखिए ताकि आने वाले दिन में आप लोग भी ऐसा केसेस में जो कि एलिगेशन आप लोगों को भुगतना ना पड़े. और आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोग का फ्यूचर आप लोग का हाथ में है और आप लोग हम लोग का फ्यूचर को है आप लोग सुधार सकता है और हम लोग का फ्यूचर बना सकता है. थैंक यू सो मच.